बहुजन समाज पार्टी ने गहन मंथन के बाद लालगंज सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के साथ सूबे में गठबंधन करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने यहां के लालगंज सुरक्षित क्षेत्र से संगीता आजाद को प्रत्याशी घोषित किया है। आजमगढ़ के लालगंज संसदीय क्षेत्र के लालगंज में आज सपा बसपा की संयुक्त बैठक हुई। बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी घनश्याम खैरवार ने लालगंज संसदीय सीट से संगीता आजाद को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। संगीता आजाद लालगंज के बहुजन समाज पार्टी विधायक अरिमर्दन आजाद की पत्नी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद गांधी आजाद की पुत्र वधू है। संगीता अब लालगंज से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी होगी। गठबंधन के बाद जिले की दो संसदीय सीटों में आजमगढ़ सदर सीट समाजवादी पार्टी और लालगंज सुरक्षित सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई है। काफी इंतजार के बाद बहुप्रतीक्षित सीट आजमगढ़ से आखिरकार समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने के लिए अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम की घोषणा हो गई। इसके बाद चुनावी चर्चा ने जोर पकड़ लिया। लालगंज से नीलम सोनकर भाजपा से सांसद हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिटिंग एमपी होने के कारण इनका टिकट पक्का होना तय है। कांग्रेस ने युवा चेहरे पंकज मोहन सोनकर के नाम की घोषणा कर दी है। कुछ दिन बाद ही शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके सरायमेर निवासी हेमराज पासवान को प्रत्याशी घोषित कर दिया। संगीता आजाद के पति लालगंज विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधायक है। वो इस समय दिल्ली में डेरा जमाए हुए है।